हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और अपनी नेक्स्ट वीडियो से पहले, मतलब वीडियो थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एक बार फिर से उन बच्चों को बता देती हूँ जो नए जुड़े हैं चैनल से, कि आप द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। और आपको कुछ इस तरह का लोगो नज़र आएगा जब आप ऐप को डाउनलोड करें, तो आपको ये लोगो वहाँ पर नज़र आएगा। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, द जोरावर क्लासेस ऐप को, और यहाँ से कंटेंट कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। कंटेंट कोर्स के अंदर आपको पेडागोजी का, यानी कि केवीएस पीआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पूरा सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट कोर्स रेडी किया गया है। तो आप यहां से कंटेंट कोर्स को ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको पेडागोजी, ईवीएस, साइंस, कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलेंगी, ठीक है। तो आप कंटेंट कोर्स को ज़रूर देख लें। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चंस कराने का क्या फ़ायदा है, आप थियरी नहीं करा रहे हैं। तो थियरी भाई देखो, वो कंटेंट कोर्स में मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप कंटेंट कोर्स को देखें, और यहाँ पर हम यूट्यूब पर फ्री में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर, मतलब यहाँ पर लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड है, इसके बाद जो है आपको थोड़ा टॉपिक वाइज कराएंगे, लेकिन अभी जो है ये आज की लास्ट मिक्स है, और इसके बाद जो अगला वीडियो होगी, अगली वीडियो होगी, उसमें आपको टॉपिक वाइज हम कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। द प्राइमेसी ऑफ असेसमेंट इज, आकलन की प्रधानता है, ठीक है। डायग्नोसिस एंड फीडबैक, इम्प्रूविंग स्कोर्स, रैंकिंग स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट स्टूडेंट्स। तो देखो, हमारा जो असेसमेंट का प्रोसेस होता है, हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है असेसमेंट और एक होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। इन दोनों टर्म से आप बहुत अच्छे तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें करा चुकी हूँ। तो असेसमेंट जो होता है वो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। बेसिकली आप वहीं पर सिखाकर, वहीं पर सुधार करके, उसमें जो भी कमियां हैं उसको ठीक करके आप उसको वापस से कर सकते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन में आप एक तरह का वैल्यू जजमेंट करते हैं, आप यहाँ पर जजमेंट करते हैं कि अब तक के टाइम पीरियड में किसी ने क्या सीखा है, आपने जो टीचिंग की वो किस तरह की रही, वो एक इवैल्यूएशन का स्कोप होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप जजमेंटल हो जाते हैं, जबकि असेसमेंट में हम जजमेंटल ना होके हम कोशिश करते हैं कि हमें फीडबैक मिले हमारी टीचिंग का भी, साथ ही साथ जो बच्चे लर्निंग कर रहे हैं उसका भी हमें फीडबैक मिले। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डायग्नोसिस एंड फीडबैक। आप लगातार डायग्नोसिस तो करते ही रहते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर आप असेसमेंट करने से पहले भी डायग्नोस करते हैं कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद जो है आप बच्चों से भी फीडबैक लेते हैं, आप बच्चों को भी फीडबैक देते हैं, यानी कि देर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द होल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। मतलब थोड़ा सा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का असेसमेंट में, लेकिन इवैल्यूएशन में फिर कोई स्कोप नहीं रहता, वो आप एक सर्टिफिकेशन कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि टर्म एंड में जब आप मार्क्स देते हैं बच्चों को, तो वो उनका असेसमेंट होता है। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ना, वो जिसमें ग्रेडिंग्स होती है, जो भी होती है, वो उनका इवैल्यूएशन होता है, सॉरी, ठीक है। और जब हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, तो ये सब आपका असेसमेंट का पार्ट होता है। आप मतलब क्लास में वीकली क्विज कराते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, वो सब असेसमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द ट्रांजिशन ऑफ चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। तो देखो, जब एडोलेसेंस से, सॉरी, चाइल्डहुड से बच्चा जब एडोलेसेंस की तरफ जाता है, यानी कि बचपन की अवस्था से वो किशोरावस्था के संक्रमण में, यानी कि देखो हम मानकर चलते हैं कि 11 प्लस का बच्चा जो है वो एडोलेसेंस में एंटर कर जाता है, ये हम मानकर चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा एक आध साल का फर्क आ जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 11-12 ईयर्स का बच्चा जो है वो एडोलेसेंस में एंटर कर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है जब ये ट्रांजिशन होता है, मतलब ये बदलाव हो रहा होता है, तब उस टाइम मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या आती है। सम रिएक्ट टू फिजिकल चेंजेस विद प्लेजर और एक्साइटमेंट, इन सम अदर एक्सपीरियंस शेम, डिस्गस्ट, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी एंड गिल्ट। मतलब कुछ लोगों को तो बहुत ही खुशी होती है, प्लेजर मिलता है उनको, एक्साइटमेंट होती है, या फिर उनको ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड सा फील करते हैं, या फिर कुछ को एक्सपीरियंस होता है शेम का, थोड़ा सा शर्म का, या फिर डिस्गस्ट, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, गिल्ट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट फाइंड मच चेंजेस इन देमसेल्फ। ज़्यादातर को कोई चेंजेस नज़र नहीं आते अपने अंदर। हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ जाती हैं। सम आर स्ट्रेस्ड विद एकेडमिक एंड रिजल्ट। तो कुछ बच्चों को शैक्षणिक और परिणाम का तनाव बढ़ जाता है कि हम बड़े हो रहे हैं, अब हमारे ऊपर ज़्यादा तनाव आ जाएगा अकेडमिक का, ये सब, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्लियर कट आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
जब अडोलो चाइल्डहुड से अडोलोसेंस की एज में हम जा रहे होते हैं, तो हमारे साथ से केवल मेंटल चेंजेस ही नहीं आते हैं, हमारे बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते हैं, बल्कि फिजिकल चेंजेस बहुत ज़बरदस्त तरीके के आते हैं। और कुछ लोगों को ये फिजिकल चेंजेस अच्छे भी लगते हैं, हो सकता है जैसे लड़कों की वॉइस में जो है एकदम से कन्वर्जन आ जाता है। मतलब मेरे को अभी याद है, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, लेकिन उन बच्चों को मतलब मैंने अराउंड 6 ईयर्स जो है 12th, जस्ट आफ्टर 12th मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था, और 6 साल तक मैंने करीबन ट्यूशन पढ़ाया है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, वो अलग रीजन है। लेकिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाती तो मैं खुद महसूस कर सकती थी कि कुछ बच्चे मेरे पास बहुत रेगुलर थे, तो उस टाइम पे ये बच्चे जो हैं इनमें चेंजेस मैं खुद महसूस कर पा रही थी कि इनकी वॉइस में चेंज आ रहा है जो भी। लेकिन कुछ बच्चों को सच में बहुत अच्छी लगती है कि हमारी वॉइस में बदलाव आ रहा है, जो बदलाव उन्हें पसंद आते हैं कि हम बड़े आदमी बन गए, ये वो मतलब वो वाली बातें हैं ना, या फिर लड़कियों को भी। लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ही शेमफुल लगता है, उनको उनकी आवाज़ बदली हुई अच्छी नहीं लगती है, उनका जो जो भी है, किसी को बियर्ड और ये जो दाढ़ी मूंछ वगैरह आती है वो पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से वो बच्चे शेम में, गिल्ट में कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ये बदलाव क्यों हो रहा है। जो गर्ल्स हैं उनको ऑब्वियसली उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये बदलाव कुछ बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, जबकि कुछ जो है इनके प्रति बहुत अच्छे से फील करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन ए ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन बताता है, मतलब कौन हमें सूचना देता है जो रोल्स और बिहेवियर होते हैं, यानी कि भूमिका जो भी है व्यवहार के बारे में, विच आर एक्सेप्टेबल इन ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो 2+ से लेकर आप 7 ईयर्स तक का लगा सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड का, फिर 7+ से लेकर 11 तक का आपका लेटर चाइल्डहुड में आता है। तो 2 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है जो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, तो उसको हम जब इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो रोल्स और बिहेवियर क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, क्या नहीं है, कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, कौन सा इनअप्रोप्रिएट है, तो ये कौन बताता है उनको, ये आपको क्वेश्चन के अंदर जवाब देना है। तो यहाँ पर है टीचर्स एंड पीयर्स, पीयर्स एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, एंड सिबलिंग्स एंड टीचर्स। तो देखिए, 2 साल से ऊपर का बच्चा, या फिर चलो 3 साल से मान लेते हैं, 3 साल का बच्चा आप खुद इमेजिन करो, आपके आसपास आपने किसी बच्चे को देखा होगा, टीचर का रोल तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि टीचर एक्चुअल में जो फॉर्मल टीचिंग है उससे वो इंट्रोड्यूस होते ही नहीं है। एक टीचर क्या हमारी ज़िंदगी में रोल रखता है, या फिर टीचर से इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ें इस टाइम पे बच्चे के अंदर नहीं होती है। उसके बाद पीयर्स की बात करें, तो पीयर्स का जो सर्कल होता है ना बच्चे का, बहुत ही लिमिटेड होता है, वो पीयर नहीं कह सकते आप उसको। ठीक है, बच्चा किसी दूसरे बच्चों को देखता है, उसके साथ खेलने लग जाता है, लेकिन वही वो भावनाएं थोड़ी ना आती है दोस्ती वाली, रूह वाली, तो पीयर वाली चीज़ आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ से पीयर है तो इसको भी काट दो, यहाँ पर टीचर है इसको भी काट दो। मेन यहाँ पर होता है सी, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, बड़ा भाई छोटा भाई या छोटी बड़ी बहन जो भी होते हैं, सिबलिंग्स के साथ बच्चा बहुत खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ फैमिलियर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई अपनी मौसी बुआ इनके साथ, रिलेटिव के साथ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फैमिलियर अगर साथ में घर में रहते हैं। और पेरेंट्स का तो ऑफकोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उनको पेरेंट्स ही प्रोवाइड करते हैं। 3 साल का बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, उसको अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन ही दिखते हैं ज़्यादा, मतलब भाई बहन से भी थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन बात यह है कि जो घर में उसके साथ खेलता है, देखभाल करता है, पूरे दिन साथ रहता है, उससे वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, और ऐसा ही पेरेंट्स का रोल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द टर्म कलेक्टिव मोनोलॉग वाज कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ये काम टर्म है कलेक्टिव मोनोलॉग, मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में इस टर्म के बारे में बताया है, तो ये किसने क्वाइन की थी, किसने बताया था इसके बारे में, ये आपको बताना है। कलेक्टिव मोनोलॉग, इसकी एग्जैक्ट हिंदी आप देख लेना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सामूहिक एकल लाभ होगा, ये शब्द होगा प्रॉपर। तो वाइगोत्स्की, ब्रूनर, बेंडुरा या फिर पियाजे, किसने इसके बारे में बताया है, तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी बच्चों को तो आ गया होगा जिसने पहली प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, पियाजे ने जो ये प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं ना वाइगोत्स्की, तो प्राइवेट स्पीच की बात करते हुए वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये बच्चे को डायरेक्ट करती है, उसको बेसिकली अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए किस तरह से कंट्रोल करना है, वो उसको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लेकिन पियाजे इस स्पीच को बहुत ही ईगो सेंट्रिक मानते थे, वो कहते थे कि ये आत्म केंद्रित भावना को दिखाती है, साथ ही साथ ये दर्शाती है कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने ही पर्स्पेक्टिव से सोचता है और किसी का पर्स्पेक्टिव वो ले नहीं सकता। इसीलिए पियाजे ने इस टर्म को, बेसिकली इस प्राइवेट स्पीच को, उन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग का वो दिया था, एक टर्मनोलॉजी बता दी थी कि ये है ये और कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोई डेवलपमेंट में कोई हाथ नहीं होता है, जस्ट इट इज जस्ट अ कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है, वो बच्चे की अपनी खुद की एक स्पीच है, ठीक है, वो बोलता रहता है, उसको मजा आ रहा है, कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में डेवलपमेंट में कोई इसका रोल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। सो दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय पियाजे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वट डज द मोर नॉलेजेबल अदर गिवन बाय वाइगोत्स्की। तो जो ये मोर नॉलेजेबल अदर है गिवन जो वाइगोत्स्की ने दिया था, तो इसके बारे में आपको कुछ बताना है। देखिए, एम के ओ, वैसे इसको फेमसली हम एम के ओ बोलते थे, हैं
कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगी इंग्लिश में, या फिर ये पूरा नहीं मिलेगा, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो एम के ओ क्या होता है? वाइगोत्स्की ने एक टर्म दी थी, तो क्या है ये? इन व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर लेसन प्रोसेस कंसेप्ट, इट रेफर्स टू एनी वन हु हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी देन द लर्नर। तो कोई भी कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में कोई भी ऐसा इंसान जिसको बच्चे से ज़्यादा, जो सीख रहा है लर्नर है, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है इसकी, उसको हम एम क्यू बोलते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू यूज़ द नॉलेज, या फिर ये बच्चों की एबिलिटी है नॉलेज को यूज़ करने की। इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटेटर्स टू जनरेट ए फेवरेबल सोशल एनवायरमेंट फॉर लर्निंग, या फिर ये जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, मतलब जो बच्चों के लिए एक तरह सुविधाजनक का काम करते हैं, उनके फ्लेक्सिबिलिटी है फैसिलिटेटर्स की, ताकि वो एक फेवरेबल सा सोशल एनवायरमेंट क्रिएट कर सके लर्निंग के लिए। दे आर टीचर्स ऑफ लर्नर, या फिर ये टीचर्स होते हैं लर्नर के या बच्चों के, ये बताना है। तो देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर का सिंपल ही मीनिंग है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है। किससे ज़्यादा नॉलेज होगी? जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर हमारा जो भी लर्नर है ना, उससे ज़्यादा जो भी नॉलेज रखेगा, सटीक सही नॉलेज, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में, तो जो सही नॉलेज रखेगा उसको हम बोलेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये टर्म दी थी वाइगोत्स्की ने, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक होगा। किसी भी लेसन, कोई भी कंसेप्ट जो आप सिखा रहे हैं, उसके बारे में जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की डिड नॉट मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीचेस। अब वाइगोत्स्की ने बहुत सारी स्पीच, मतलब ऑब्वियसली वो स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते थे, लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया था उन्होंने, तो किसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर है इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, या फिर कल्चरल स्पीच, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने जो है ऑब्वियसली प्राइवेट स्पीच तो दी थी, आप सभी को पता है, अपने आप से बातें करना, ये थोड़ी सी लाउड होती है। लाउड इन द सेंस, जैसे कि बच्चा कहता है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर बैठा है, अब ये ऐसे कर दूंगी, अब मैं चाय बना रही हूँ, अब मैं ये करूँगा, तो इस तरह से। तो ये 3+ का जो बच्चा होता है, इवन 2 से 3 का बच्चा जो होता है, बहुत अच्छे से यूज़ करता है प्राइवेट स्पीच को, और ये डायरेक्ट करता है बेसिकली अपने खुद के बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो ये प्राइवेट स्पीच होती थी, उसके बाद ये धीरे धीरे, ये स्पीच जो है, जब आप लेट चाइल्डहुड की तरफ बढ़ते हैं, तो ये इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनर स्पीच में क्यों कन्वर्ट होती है? सोशल स्पीच का मतलब है जब हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो स्पीच यूज हो रही है वो सोशल स्पीच होती है। इनर स्पीच का मतलब है कि ये स्पीच तो रहेगी, लेकिन ये लाउड फॉर्म में नहीं रहेगी, बल्कि साइलेंट हो जाएगी। इसको साइलेंट भी बोलते हैं, साइलेंट इनर स्पीच कह सकते हैं आप इसको। तो ये भी वाइगोत्स्की की टर्म है। प्राइवेट भी उन्होंने यूज किया था, सोशल स्पीच भी उन्होंने यूज किया था, बट उन्होंने कल्चर के बारे में बहुत बात की है, लेकिन कल्चरल स्पीच करके कोई टर्म नहीं दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका हट जाएगा। सांस्कृतिक भाषण नाम की कोई उन्होंने टर्म नहीं दी है। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, ये तीनों टर्म उनकी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आ गया। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी। इनमें से कौन सा जो है वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी पर डिपेंड करता है, बताना है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर इनसाइट लर्निंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपको बताना है कि वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, वाइगोत्स्की ऑपरेंट कंडीशनिंग की ऑब्वियसली बात नहीं करते, क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट थे ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले। इनसाइट की बात नहीं करते हैं, ये कल्चर न्यूट्रल की बात नहीं करते हैं। संस्कृति सापेक्ष होगा, निरपेक्ष नहीं होगा, है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की है। वाइगोत्स्की का जो एजुकेशन में रोल है वो रेसिप्रोकल टीचिंग के रूप में काफ़ी फेमस है। इन्होंने कहा था कि रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, बेसिकली टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ एक तरह का डायलॉग करते हैं, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर हो सकता है, बेसिकली रीडिंग को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए किया जाता है। सो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप कंटेंट कोर्स को देखेंगे, तो मैंने वहाँ पर बताया है कि वाइगोत्स्की और एजुकेशन में क्या रिलेशन है, मतलब क्या उनकी थियरी से हमने एजुकेशन में लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको बेसिकली यहाँ पर करना क्या है कि आपको ये डिफरेंट पियाजे की स्टेजेस दी हुई है, इनसे आपको मैच करना है जो भी इधर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने, ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्टिकुलर स्टेजेस की, तो मैच करना है आपको यहाँ पर। तो चलिए, मैं आपको देती हूँ कुछ सेकंड्स का टाइम, आप मैच कीजिए फटाफट से और बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज है पियाजे की। तो इनमें से देख लीजिए कौन सी चीज़ सेंसरी मोटर की पहचान होती है। तो सेंसरी मोटर की पहचान है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है बच्चे को। उसके बाद बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, नहीं होती है, क्योंकि रिवर्सिबल थिंकिंग के लिए थोड़ा सा मेच्योरिटी आनी जरूरी है बच्चे में, जो प्री ऑपरेशन में नहीं आती है। ईगो सेंट्रिज्म जो है प्री ऑपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आत्म केंद्रवाद की भावना जो होती है वो बच्चे के अंदर बहुत पीक पर होती है प्री ऑपरेशन में।
बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल की, तो कंक्रीट ऑपरेशनल में जो बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग कर पा रहा है, प्री ऑपरेशन में इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है, पलट के नहीं देख पाता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन में वो ओवरकम कर लेता है इस चीज़ को और उसको कंजर्वेशन आ जाता है और रिवर्सिबिलिटी जो है कंजर्वेशन का एक पार्ट है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है, डिडक्टिव थिंकिंग उसकी हो जाती है, वो डिड्यूस कर सकता है फैक्ट्स को, तो यहाँ पर आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन रिपीटेड टास्क, और ये पियाजे का नहीं है। तो आप देख लीजिए ए का सेकंड है, ए का सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी का थर्ड है यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कंक्रीट ऑप्शन का फर्स्ट है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट। जो कंसेप्ट मैप होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए एनिमल्स हैं, ठीक है, आपने इसका कंसेप्ट मैप बना दिया, एनिमल्स की आपने कैटेगराइजेशन कर दी, पहले आपने लिख दिया वाइल्ड हो गया, उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पे पेट एनिमल्स हो गए, उसके बाद आपने एक और लिख दिया डोमेस्टिक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद वाइल्ड में भी आपने कैटेगरी कर दी, कार्निवोर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, ऐसे ही आपने पेट में डिविजन कर दिया, तो ये एक तरह का कॉग्निटिव मैप या कंसेप्ट मैप बनाते हम चले जाते हैं, है ना, लाइन से जोड़ जोड़ कर उसको सिखाते हैं, तो ये कंसेप्ट मैप होता है। तो ये आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट, तो किस तरह से ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाते हैं ये आपको बताना है। फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स, इसके थ्रू जो है आप बिल्कुल विशिष्ट विवरण पर ध्यान अपना वो करते हैं। ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, ये विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण करने में हेल्प करते हैं। प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर द स्टडी, ये एकेडमिक कंटेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज, इसको प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता तय करते हैं। इंक्रीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन लॉजिकली, या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने में, लॉजिकल तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो देखो अब आपको ये तो हटा ही दो कि एकेडमिक कंटेंट को प्रायोरिटाइज करता है ना, ट्रांसफर को भी हटा दो, अब बेसिकली आपको कन्फ्यूजन यहाँ और यहाँ हो सकता है ए और डी में। देखो स्पेसिफिक, क्या केवल हम स्पेसिफिक डिटेल्स पर ही फोकस करते हैं? नहीं, हम जनरल डिटेल्स पर भी फोकस करते हैं। एनिमल्स इज वेरी जनरल टॉपिक फॉर अस, इसके बाद हम इसकी थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ों पर जाते हैं, इसकी टाइप जाते हैं, टाइप भी जनरल हो गई, फिर हर एक टाइप अपने आप में स्पेसिफिक होती है, तो स्पेसिफिक प्लस जनरल हम दोनों डिटेल्स पर इसमें ध्यान रखते हैं। हम केवल विशिष्ट चीज़ों पर ही नहीं बल्कि हम सामान्य चीज़ों पर भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है ना, कंसेप्ट जो होता है पर्टिकुलर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो आप यहाँ पर कंटेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आ जाती हैं, इसलिए कंसेप्ट मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा कि आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकें, है ना, यानी कि व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित कर सकें बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सपोज यू आर द चेयरमैन ऑफ ए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर योर ज्यूरिस्डिक्शन। मानकर चलिए कि आप चेयरमैन हैं किसी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, तो आप किस तरह से पूरी उसकी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्वालिटी को, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन से टाइप की थिंकिंग आपकी इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर। तो हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट है, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट है, लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट है, या फिर आपकी लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये बताना आपको। चलिए बताइए फिर भाई, आप चेयरमैन हैं स्कूल के, या फिर आप मान लो प्रिंसिपल भी हैं, या फिर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप किस तरह से ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ये एक इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो किस तरह की थिंकिंग है इसके अंदर। देखिए अगर हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम एक ही जगह पर आकर टिक जाते हैं, ओनली वन सोल्यूशन, है ना, हम सबका ध्यान सिर्फ ये होता है कि मैडम ने तो ये बताया था, इसी यही तरीके का सोल्यूशन है, इसी को कर सकते हैं बस, है ना, ये हो गया, तो ये कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट वाले क्या कहेंगे कि नहीं भाई एक ही थोड़ी है, और सोचो और सोचो, और फिर डिफरेंट डिफरेंट माइंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन के साथ लेकर आते हैं, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी बन जाती है। तो यानी कि कन्वर्जेंट तो यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं होगी, यहाँ पर है डाइवर्जेंट, और यहाँ पर क्योंकि आपको खुद से सोचना है, बहुत सारे प्लान्स को आपको सोचना है, इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टॉपिक, यहाँ पर आपको रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना जाने कितनी हायर ऑर्डर की थिंकिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको, इसलिए ये है आपकी हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन कह सकते हैं आप इसको। तो गाइज ये थी आपकी आज की 10 क्वेश्चंस की वीडियो, नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज लेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा एक एक टॉपिक को आप पढ़ लें या फिर उस तरीके से, है ना, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। एनीवेज आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।